गोड्डा पुलिस व आबकारी विभाग दुवारदली जनरेटर के खोली में छिपाकर ले जा रहे 70 पेटी नकली शराब किया जब्त। मामला मुफस्सिल थाना के सामने की है, जहां गुप्त सूचना पर नगर थाना पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा छापामारी कर एक साइलेंट जनरेटर के खोली के अंदर 70 पेटी रॉयल ब्लू कंपनी का नकली शराब को ले जाते हुए गाड़ी सहित जब्त किया गया। वही मामले पर चलत को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कहां पकड़ाया ये? ये गुप्त सूचना के आधार पर इसको ट्रैक किया गया और ये हंसडीहा से मोड़ करके इधर पुरिया पार करके कठौन तक ट्रेस किया गया। कठौन में ये अपना रास्ता छोड़कर डाइवर्ट कर रहा था, लेकिन वहां पर हमारा जो इन्फॉर्मर था उसको देख करके जो भागा, फिर धीरे धीरे चलते रहा। हम इसको ट्रैक करते हुए इसको मुफस्सिल थाना के जस्ट बगल में NH 133 पर नगर थाना के सहयोग से इसको पकड़े हैं और यहां लाने पर जब इसको खोला गया है तो इसमें रॉयल प्लेयर का लेबल लगा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये रॉयल प्लेयर शराब भी नहीं है, नकली शराब प्रतीत हो रहा है। इसका रंग देखने से और बैच नंबर इत्यादि जो लगा हुआ है इससे ये पूर्ण रूप से नकली दिखाई पड़ रहा है। ऐसे केमिस्ट के यहाँ जांच में भेजा जाएगा। इसका जो चालक था वो गिरफ्तार हो गया है। चालक का नाम है आपको श्रवण कुमार महतो, गौशाला नूतन डी सिंदरी का रहने वाला है और इसको एस्कॉर्ट कर रहा था फैजल खान, जो आगे निकल गया वो नहीं पकड़ा सका। इसके मालिक का नाम दीपक तिवारी धनबाद का बताया जा रहा है। और गाड़ी 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 का जारी है। गाड़ी कहाँ की है सर? गाड़ी भी उसी का है, लेकिन अभी गाड़ी का कोई कागजात अभी बरामद नहीं हो सका है। गाड़ी के मालिक पर भी केस किया जाएगा, साथ में जो इसका कितना पेटी बरामद, टोटल कितना बरामद किया है सर? लगभग 74 पेटी माल है। अच्छा ठीक है, बड़ा आधा और पौवा तीनों मिला करके बोतल 750, 375 आधा, 180 ml नीब, सब मिला के 74 पेटी है। लगभग 666 बल्क लीटर बनता है।